वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यूनिक इंस्पिरेशन। आज के वीडियो में आप ना केवल नए इंग्लिश के वर्ड सीखेंगे जो कि आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे, बल्कि हम हिंदी में जिन सेंटेंसेस को बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं, उनको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे आप ये भी सीखेंगे। और जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है प्रैक्टिस का सेक्शन, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप जब अपनी प्रैक्टिस करेंगे उन सेंटेंसेस के साथ में, तो आपकी इंग्लिश पहले से और इम्प्रूव होगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वो बगैर देर करे जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ और नए इंग्लिश के वर्ड्स। सड़क घुमाओ और मोड़ से भरी हुई है। द रोड इज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। द रोड इज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। आप जहाँ कदम रखें सावधान रहें। बी केयरफुल वेयर यू स्टेप। बी केयरफुल वेयर यू स्टेप। फूलों का खेत बहुत सुंदर लग रहा था। द फील्ड ऑफ फ्लावर्स लुक्ड सो प्रिटी। द फील्ड ऑफ फ्लावर्स लुक्ड सो प्रिटी। मैं शायद घर पर रहूँगा और टीवी देखूँगा। I will likely stay at home and watch TV tonight. I will likely stay at home and watch TV tonight. Rock climbing एक मज़ेदार अनुभव था। Rock climbing was a fun experience. Rock climbing was a fun experience. छोटी बच्ची ने अपनी माँ से एक विशेष उपहार का आग्रह किया था। The little girl requested a special gift from her mother. The little girl requested a special gift from her mother. जापान द्वीपों का एक समूह है। Japan is a group of islands. Japan is a group of islands. Guys, यहाँ पर S silent रहेगा, इसलिए इसको बोलेंगे island. Next sentence is, यह बहुत दुर्लभ है कि वह अपनी flight छोड़ दे. It is rare for him to miss his flight. It is rare for him to miss his flight. सीढ़ियों से नीचे गिरने से उसने अपने पैर में चोट लगा ली। She hurt her leg falling down the stairs. She hurt her leg falling down the stairs. मैंने उसके नाम की पहचान करने के लिए फाइल का उपयोग किया। I used the file to identify his name. I used the file to identify his name. मैंने एक दूसरे के ऊपर चट्टान खड़ी कर दी थी। I stacked rock on top of one another. I stacked rock on top of one another. वह सोचने के लिए अकेला रहना चाहता था। He wanted to be alone to think. He wanted to be alone to think. मुझे अपने बॉस के साथ काम करने में परेशानी होती है। I have trouble working with my boss. I have trouble working with my boss. हमें अपनी पिकनिक के लिए बिल्कुल सही जगह मिल गई। We found the perfect site for our picnic. We found the perfect site for our picnic. शहर में उसका एक अच्छा घर है। She has a nice apartment in the city.
He has a nice apartment in the city. वो अभी भी टिकट पाने के लिए लाइन में खड़े हैं. They are still waiting in line to get tickets. They are still waiting in line to get tickets. चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है वोकैबुलरी का, और इम्प्रूव करते हैं अपनी वोकैबुलरी को. ट्विस्ट. ट्विस्ट का हिंदी में मतलब होता है मोड़. ट्विस्ट यानी मोड़. एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस को हिंदी में कहते हैं अनुभव. एक्सपीरियंस यानी अनुभव. फील्ड. कोई खेत है तो उसको इंग्लिश में फील्ड बोलेंगे. फील्ड यानी खेत. हर्ट. हर्ट का हिंदी में मतलब होता है चोट लगना. हर्ट यानी चोट लगना. लाइकली. लाइकली का हिंदी में मतलब होता है संभावना या फिर शायद. लाइकली यानी संभावना. रेयर. रेयर यानी दुर्लभ. रेयर को हिंदी में कहते हैं दुर्लभ. रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट का हिंदी में मतलब होता है आग्रह करना, निवेदन करना. रिक्वेस्ट यानी आग्रह. आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई को हिंदी में कहते हैं पहचान करना. आइडेंटिफाई यानी पहचान करना. आइलैंड. आइलैंड किसी द्वीप को कहते हैं. आइलैंड हिंदी में होता है द्वीप. स्टैक का हिंदी में मतलब होता है ढेर. स्टैक जैसे एक के ऊपर एक कोई चीज़ को रख देना. जैसे आपके पास कुर्सियां हैं और उन कुर्सियों को जब हम एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो जो हमने वो कुर्सियों का ढेर बना दिया है तो उसको इंग्लिश में कहेंगे स्टैक. स्टेप. स्टेप का हिंदी में मतलब होता है कदम. स्टेप यानी कदम. स्टिल. स्टिल को हिंदी में कहते हैं अभी भी. स्टिल यानी अभी भी. साइट. साइट यानी कोई जगह, स्थान. साइट स्थान. ट्रबल. ट्रबल का हिंदी में मतलब होता है परेशान करना. ट्रबल यानी परेशान करना. अलोन. अलोन का हिंदी में मतलब होता है अकेला. अलोन यानी अकेला. अपार्टमेंट. अपार्टमेंट को फ्लैट भी कहते हैं. अपार्टमेंट हिंदी में आप फ्लैट बोलेंगे. तो गाइस, अब मूव करते हैं अपने प्रैक्टिस सेक्शन की तरफ, जहां पर कि मैं सेंटेंस को हिंदी में बोलूंगी और आपको टाइम दूंगी, जहां पर कि आप प्रैक्टिस करेंगे उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की. अगर आप कहीं पर अटक जाते हैं या आपको याद नहीं आता कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, या आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को भूल जाते हैं कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप वोकैबुलरी सेक्शन में जाकर या फिर डेली इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस सेक्शन में जाकर देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस. सड़क घुमाव और मोड़ से भरी है. रॉक क्लाइंबिंग एक मज़ेदार अनुभव था. फूलों का खेत बहुत सुंदर लग रहा था.
सीढ़ियों से नीचे गिरने से उसने अपने पैर में चोट लगा ली। मैं शायद घर पर रहूंगा और टीवी देखूंगा। अपनी फ्लाइट को छोड़ देना उसके लिए दुर्लभ है। छोटी बच्ची ने अपनी माँ से एक विशेष उपहार का आग्रह किया था। मैंने उसके नाम की पहचान करने के लिए फाइल का उपयोग किया। जापान द्वीपों का एक समूह है। मैंने एक दूसरे के ऊपर चट्टान का ढेर लगा दिया। आप जहां कदम रखें सावधान रहें। वो अभी भी टिकट पाने के लिए लाइन में खड़े हैं। हमें अपने पिकनिक के लिए बिल्कुल सही जगह मिल गई। मुझे अपने बॉस के साथ काम करने में परेशानी होती है। मैं सोचने के लिए अकेला रहना चाहता था। शहर में उसका एक अच्छा घर है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक का बटन हिट कर दीजिए। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल बटन का आइकन जो है उसको भी दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।